ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन। सो आज सभी का आपका स्वागत है इस सेशन में। आपको पता है आज से हमारा न्यू सेक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। और वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन हमारा है राइटिंग स्किल। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं आधे, पोएम्स कंप्लीट कर दिए हैं आधे हाफ, और नॉवल कंप्लीट कर लिए हैं हाफ। ओके सो अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग स्किल। और कौन से टॉपिक से आज की शुरुआत होने वाली है? सबका प्यारा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। क्यों? बिकॉज ये सबसे आसान, सबसे छोटा और स्कोरिंग राइटिंग स्किल है जो आप सभी बच्चों को अपने बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का मतलब बताऊंगी। आपको अगर चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता क्या है, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसके पीछे का लॉजिक तो समझ गए हो ना, तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो राइटिंग स्किल का मैं हमेशा आपको क्या बोली हूँ, फॉर्मेट एकदम परफेक्ट अच्छे से आपको आना चाहिए। तो आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या है, और यही फॉर्मेट आपको लिख कर आना है। बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ऑफकोर्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे हम, और आपको नोट्स भी मिलेगी। तो आप बोल सकते हो ये एक वीडियो देखना है और ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज खलास, राइट? तो एक वीडियो में सब कुछ। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार बता देती हूँ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता क्या है। बट वो बताने से पहले मुझे देखने दो इधर पे कौन कौन आया है। जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन है इधर? हेलो एवरीवन, हेलो, क्या बात है? अनुजा, प्रशांत, कैफ, एज यूजुअल हमारे रेगुलर स्टूडेंट, तबस्सुम, धीरज, फैजान, अल्तमश। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इसका मतलब होता क्या है? ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब होता है बनाना। ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को बनाना, बनाना भी वो केला नहीं है, बनाना मतलब कोई चीज क्रिएट करना, कोई चीज एक्चुअल में क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमको क्या क्रिएट करना है? यहाँ पे हमको वर्चुअल मैसेज क्रिएट करना है। वर्चुअल मैसेज इसका मतलब क्या? ये वो मैसेज की बात हो रही है जो हम मोबाइल में लिखते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, दुनिया भर के लोगों को हम जो भी मैसेज भेजते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, कहीं से भी हम किसी को भी मैसेज भेजते हैं ऑनलाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मैसेज। तो आपका ये जो राइटिंग स्किल है वो हमको सिखाता, मतलब बताएगा कि अपने को क्या करना है, वर्चुअल मैसेज क्रिएट करना है, वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करना है, वर्चुअल मैसेज को बनाना है। तो आप बोलोगे अच्छा भाई, हमारा बोर्ड एग्जाम तो अपडेट हो रहा है, पहले के टाइम में 10th, 10th के एग्जाम में हमको लेटर राइटिंग हुआ करती थी, याद है सबको? इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर, है ना? प्रिंसिपल को लेटर लिखो, अपनी मम्मी को लेटर लिखो, अपने भाई को लेटर लिखो बर्थडे का। तो वो लेटर राइटिंग चले गया, आपको पता है, आपके इंग्लिश के सिलेबस से लेटर राइटिंग को निकाल दिया गया। क्यों? बिकॉज भाई इस दुनिया से भी तो अब लोग लेटर कहाँ लिखते हैं। आज के जमाने में सबके हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब चीज, दुनिया भर की चीज यूज कर रहे हैं, तो लेटर कोई नहीं लिखता। तो आपको अपना सिलेबस लेटर लिखना सिखाएगा क्यों? आज के जमाने में लोग मोबाइल से मैसेज लिख रहे हैं, इसलिए अपना सिलेबस भी अपडेट हो गया है। और इसने बोला चलो यार अब वर्चुअल मैसेज लिखना सीखो। तो याद रखना एक चीज कि आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के साथ कौन से दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल, देखो एग्जाम में तो सारे ऑप्शंस आएंगे, मैंने यहाँ पे लगा दी, देख लो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन रहेंगे। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के साथ आपको बोला रहेगा एसओपी और ग्रुप डिस्कशन। तो भाई इसको ना अभी से कट कर लो, एसओपी और ग्रुप डिस्कशन को आप घर से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, बहुत टाइम टेकिंग है। 15 मिनट आपका ग्रुप डिस्कशन एसओपी लिखने में जाएगा, और उसी तरफ 5 मिनट में आप एक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज तैयार कर लोगे। ठीक है, तो आपको जो टाइम बचेगा वो नॉवल सेक्शन में अपने को लगाना है। तो याद रखो मैं आपको एसओपी और ग्रुप डिस्कशन नहीं कराऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप वो एग्जाम में अपियर करो। अपना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज सबसे बेस्ट है। आप बोलोगे अच्छा 5 मिनट में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हम एग्जाम में लिख लेंगे, ऐसा कैसे भाई? इतनी स्पीड तो हमारी है नहीं, इतनी फास्ट रफ्तार में तो लिखते नहीं है, ऐसे कैसे 5 मिनट में? अरे इसलिए 5 मिनट में, बिकॉज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 लाइन का ही लिखना होता है। उससे ज्यादा अगर आप लिखते हो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, तो समझ जाओ आपके मार्क्स कट जाएंगे। याद रखना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज
मैं आपको हाई मार्क्स, ज्यादा मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसको जितना हो सके शॉर्ट में लिखोगे। क्यों ऐसा? बिकॉज आज के टाइम में हम जो भी है लोग जो भी मैसेज लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं, दुनिया भर की स्टोरी नहीं बताते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज हम रेगुलरली बात करते रहते हैं। देखो पीछे के लॉजिक को समझो, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पहले के ज़माने में लोग लेटर राइटिंग लिखते थे, मतलब लोगों को खत लिखा करते थे, और वो खत लिखने का जो गैप हो जाता था, मतलब ऐसा मानो कि मैं किसी को खत लिख रही हूँ, फिर उसको पोस्ट कर रही हूँ, फिर उसको होने में 3 दिन लग जाता था, फिर सामने वाले को 4 दिन के बाद वो पहुँचता था, है ना। तो लेटर राइटिंग में जो खबर होती थी वो लंबी लंबी हम लिखते थे, बिकॉज सामने वाले का और मेरा कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता था। तो लेटर राइटिंग हमारी एक एक पेज की होती थी। वर्चुअल मैसेज छोटा होता है, बिकॉज सामने वाले से भाई हम एक दिन में 4, 5, 10 बार बात करते रहते हैं, तो उसको इतने लंबे लंबे मैसेज क्या ही लिखेंगे। हाँ मुझे पता है कुछ कुछ एक्सेप्शन है आप लोगों के, लिखते होंगे बड़े बड़े मैसेज, बट यहाँ पे वो सब अपने फॉर्मल चीज़ें आने वाली है, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपकी मम्मी के ऑफिस से आपको एक एक कॉल आया था, उसको मैसेज में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये चीज़ याद रखो, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखोगे ठीक है, तो ये आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फॉर्मेट, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा एकदम परफेक्ट। देखो मैंने आपके सामने ना पे स्टूडेंट लोग के एग्जांपल्स भी लगाई हूं, तो टेंशन मत लो, मैंने खुद लिख के करी हूं। करेक्ट फॉर्मेट क्या है? आपको कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करोगे, बीच में हेडलाइन डालोगे और लिखोगे उसके अंदर मैसेज, उसको कैपिटल लेटर में थोड़ा डार्क में बोल्ड में करके लिखोगे तो एकदम बेस्ट है ठीक है। क्योंकि कोई भी हेडलाइन आप लिखते हो राइटिंग स्किल की, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में और बोल्ड लेटर में लिखना, वो एकदम हाईलाइट होके दिखता है, उभर के आता है आपका आंसर ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे और उसके नीचे आपके क्वेश्चन में जो भी डेट दिया होगा वो डेट डालोगे। अगर डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अपने मन से कोई भी डेट डाल दो ठीक है। फिर आपको जैसा भी डेट डालना है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मानो 12 सितंबर 12 सेप लिखोगे तो भी चलेगा, 12 सितंबर पूरा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे 2020 लिख दो ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप टाइम लिखोगे, अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो वो सेम टाइम आप उठा के अपने आंसर में लिखोगे, अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है उसके बावजूद आपको अपने मन से कोई टाइम डालना है। ऐसा मत सोचना कि भाई क्वेश्चन में तो टाइम दिया ही नहीं था तो मैंने नहीं डाला, नहीं नहीं नहीं, फिर फॉर्मेट के साथ छेड़खानी हो गई, समझ गए, फॉर्मेट के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, डेट और टाइम कंपलसरी आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है तो वैसे ही डालेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने मन से डालेंगे ठीक है। टाइम कैसा लिखोगे, आप कैसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है कॉमा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान लो कि 2 बज रहे हैं सुबह दोपहर के, तो आप क्या लिखोगे, 2 PM, बस इतना भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 2:00 PM ऐसा कुछ नहीं, 2 PM लिखो ग्रेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लाइन आप छोड़ोगे और उसके बाद एक इंसान का नाम आएगा, वो इंसान कौन होगा जिसको आप मैसेज लिख रहे होगे। ऐसा मान लो कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो और अपना फ्रेंड यहाँ पे कौन है, ऐसा मानो साक्षी ठीक है, मैं शफक हूँ, मैं साक्षी को मैसेज लिख रही हूँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला नाम किसका आएगा, साक्षी का आएगा, मैं साक्षी को मैसेज लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी साक्षी ठीक है। अब उसको मैं क्या मैसेज लिख रही हूं वो मैं यहाँ पे भर दूंगी, मैक्स टू मैक्स कितनी लाइन, मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लाइन, उससे ज्यादा प्लीज मत लिखना भाई। 4-5 लाइन लिख रहे हो तो एकदम परफेक्ट है, उससे बड़ा लिख रहे हो तो आप हो सकता है आप बोलोगे मेरे तो हैंडराइटिंग एकदम बड़ी बड़ी है, मेरी एक लाइन में 2-3 वर्ड आते हैं, तो आप वर्ड्स पे जाओ 50 वर्ड्स। सुन लो गौर से, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज 50 वर्ड्स की लिमिट है, 50 वर्ड से आप अगर ज्यादा जा रहे हो तो आप फॉर्मेट के साथ छिड़कानी कर दिए, अब वो आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज रहा नहीं, आपने उसको लेटर राइटिंग बना दिए ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर आपका खत्म हो जाएगा मैसेज लिख के, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और अपना नाम डालना है, अपना नाम जरूर, मतलब खुद का नाम नहीं, आपके क्वेश्चन में जिसका भी नाम दिया होगा कि इसको ये इंसान मैसेज लिख रहा है, तो उस इंसान का नाम, मतलब जो इंसान मैसेज टाइप कर रहा है उसका नाम इधर पे आएगा, तो इधर पे मैं साक्षी को मैसेज लिख रही थी, इधर पे मेरा नाम आ जाए, समझ गया। तो ये अपना क्या होगा, ये अपना करेक्ट फॉर्मेट होगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का, एकदम गहराई में आपको बात समझ में आ गई होगी ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, देखो एक क्वेश्चन है अपने सामने,
क्वेश्चन, आप बोलोगे क्वेश्चन क्या? अरे यार एक तो ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं इधर पे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आपको नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है क्या? मेरे बैकग्राउंड में से आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस टाइप ऐसा फील हो रहा है क्या? कुछ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही वीडियो में? अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पिछले साल के स्टूडेंट थे वो लोग ने कैसा आंसर लिखे थे जिसको मैंने फुल मार्क्स दी थी, और कौन से बच्चे को कम मार्क्स मिले थे। ठीक है, हाँ चलेगा ना, चलो ठीक है। हाँ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। कहाँ गया? हाँ देखो क्वेश्चन कैसा आएगा आपको। यू रिसीव अ फोन कॉल फ्रॉम योर मदर। अच्छा रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से रिलेटेड। यहाँ पे आपको किसी को भी डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजना है। ऐसा एग्जाम्पल देखो, समझो ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों, एक ऐसा मानो ये इंसान को इसको कुछ बोलना है, तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। इधर पे क्या होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मानो इसका नाम है हिमांशु, ठीक है, और इसका नाम है धीरज, इसका नाम है धीरज, ठीक है। अब क्या होता है, ये तीसरा इंसान इधर पे है अपना, मान लो ये साक्षी है इधर पे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये जो हिमांशु है इसको बात करनी है साक्षी से, ठीक है, हिमांशु को बात करनी है साक्षी से। लेकिन जब हिमांशु साक्षी के घर पे कॉल लगाता है तो साक्षी का भाई धीरज वो कॉल को उठा लेता है, ठीक है। तो हिमांशु जो है उसको एक्चुअल में तो बात करनी है साक्षी से, लेकिन कॉल किसने उठा लिया? कॉल तो उठा लिया धीरज जनाब ने। तो अब हिमांशु क्या बोलेगा कि अच्छा ऐसा मान लो ऐसे बात हुई कि हेलो साक्षी, तो धीरज बोलेगा कि नहीं मैं तो उसका भाई धीरज बोल रहा हूँ, साक्षी अभी घर पे नहीं है, वो ट्यूशन गई है, ठीक है। तो हिमांशु बोलेगा कि अच्छा, ओके, क्या मुझे ना उसको ये बात पहुंचानी है, बहुत अर्जेंट है, क्या आप मेरी ये बात उसको पहुंचा दोगे? ठीक है, तो धीरज बोलेगा अच्छा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा उसको ये बात, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ गलत मत लो। हिमांशु बेचारा भोला भाला है, उसको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स की बात करनी है उसको साक्षी से, कुछ और बात नहीं करनी है। तो हिमांशु जो है धीरज को बोलता है कि अपनी बहन साक्षी को बोल देना कि वो जो है कल मेरे से एक नोट्स लेके गई थी, प्लीज कॉलेज में लेके आ जाना, कॉलेज में चेकिंग है, और एब्सेंट मत होना। एक तो मेरी नोट्स लेके गई है और कल एब्सेंट हो गई तो मेरी वाट लगेगी ना, चेकिंग है कॉलेज में, ठीक है। तो इसका भाई क्या बोलेगा? ओके ठीक है भाई, मैं तेरी बात साक्षी तक पहुंचा दूंगा, ओके। तो अब यहाँ पे गौर से सुनो, कन्वर्सेशन किसके बीच में होगा पता है? ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज किसके बीच में बनेगा? ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बनने वाला है धीरज और साक्षी के बीच में, समझो मेरी बात को, वरना एग्जाम में आप पूरा उल्टा सीधा करके आ जाओगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या करेगा देखो, अपना जो एक्चुअल आंसर बनेगा ना उसमें सेंडर और रिसीवर कौन हो गए? धीरज और साक्षी। कैसे? धीरज का काम है हिमांशु की कही हुई बात अपनी बहन साक्षी को पहुंचाना, समझे? धीरज का क्या काम है? हिमांशु की कही हुई बात अपनी बहन साक्षी तक पहुंचाना। तो अपना क्या हो जाएगा, सेंडर बन जाएगा धीरज, रिसीवर बन जाएगी साक्षी। यानी यहाँ पे जो हम देख रहे थे, यहाँ पे किसका नाम आएगा? यहाँ पे नाम आएगा साक्षी का, और सेंडर कौन है? धीरज। धीरज मैसेज भेज रहा है ना, धीरज अपनी बहन को मैसेज भेजेगा क्या कि हिमांशु सेड डेट, फिर आगे की बात जो भी उसने बोला है। अभी आगे क्या बोला था उसने कि प्लीज टोल्ड हर टू ब्रिंग माई नोटबुक टुमोरो इन द क्लास, बस इतना। इट इज वेरी अर्जेंट, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू हर डेट डोंट बी एबसेंट टुमोरो, कल एबसेंट मत होना भाई। तो यहाँ पे अपना कन्वर्जेशन ऐसा होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। हमेशा आपका जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में उसमें तीन लोग होंगे,
गौर से आप अपने ना क्वेश्चन पढ़ना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के। उसमें तीन लोग होंगे, एक होगा हिमांशु जिसको बात करनी होगी साक्षी से, बट साक्षी तो अवेलेबल ही नहीं होगी, मतलब कोई दो इंसान से जिससे बात करनी होगी वो तो अवेलेबल ही नहीं होगा, बीच में कोई और ही बैठा होगा। तो ये बेचारे को हम क्या बना देंगे, बीच का बंधु बना देंगे। ये बीच का बंधु क्या करेगा, अपना आंसर पहुंचा के आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। अब देखो वही चीज अपने क्वेश्चन में है, आपका टेक्स्ट बुक का सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, आपको क्या बोला है, यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर ऑफिस। देखो मैंने बोली तीन लोग रहेंगे, अपना सबसे पहला इंसान इधर पे कौन है कि आपको कॉल आया है आपकी मदर की ऑफिस से, व्हेन शी इज नॉट एट होम यू हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द स्पीकर बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लास। देखो एक तो यू है मतलब आप हो, ठीक है, दूसरा कौन है, सो यू लिव, दूसरी है अपनी मदर, ठीक है, और तीसरा इंसान कौन है जिसका ऑफिस से कॉल आया है, ठीक है। तो इसका हम नाम देते हैं स्पीकर दे देते हैं या ऑफिस दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब ऑफिस, ऑफिस से कॉल आया मम्मी के ऑफिस से, ठीक है। तो तीन लोग हो गए। अब यहाँ पे गौर से वही सेम बात हो रही है, क्या हो रही है, पढ़ते आगे देखो यहाँ पे आपको फिर से साफ साफ बोल दिया है क्या करना है, आपको अपने आंसर को 50 वर्ड में ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, याद रखो। और अपने मन से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। क्या है देखो, अंबुज यहाँ पे हमने क्या देखे, सबसे पहला इंसान कौन है, यू, उसका अपने क्वेश्चन में लोग ने नाम दे दिया, उसका नाम क्या है, अंबुज है, ठीक है, अंबुज नाम है। सेकंड हमने कौन देखे थे, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी का नाम क्या है, मिस डिस्टिक, उसकी मम्मी का नाम क्या है, मिस डिस्टिक। और तीसरा इंसान हमने कौन देखे थे, वो ऑफिस वाला, तो उसका ऑफिस वाले का नाम क्या है, रस्तोगी, ऑफिस वाले का नाम क्या है। देखो पहले ना अपने क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो, पहले आप क्वेश्चन को समझ जाते हो ना कि अच्छा ये है, ये है, इसकी बात इसको इसको पहुंचानी है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ऑफिस वाले का नाम क्या है, रस्तोगी, इतनी बात आपकी अगर क्लियर हो गई फिर आप अपना काम कर लोगे। अभी कन्वर्जेशन पढ़ते हैं कि किसने किसको क्या बोला, और बात बीच का बंधु कौन है, बीच का बंधु मतलब बेचारा किसको ये काम दे दिया गया है कि भाई हमारी बात उस तक पहुंचा के आ, ठीक है। बीच का बंधु कौन है, अंबुज कॉल उठाता है, बोलता है हेलो, सामने वाला बोलता है हेलो, तो फिर क्या बोलता है वो, सामने वाला जो रस्तोगी है बोलता है मे आई स्पीक टू मिस डिस्टिक, आई एम नरेश रस्तोगी। अच्छा इसका नाम नरेश रस्तोगी है, पूरा नाम नरेश है, चलो लिख देते नरेश, बोलता है मैं नरेश रस्तोगी हूँ, ठीक है। तो ये जो अंबुज है ये क्या बोलता है कि अरे मम्मी तो घर पे नहीं है, मॉम नॉट एट होम राइट नाउ, मम्मी अभी घर पे नहीं है। तो रस्तोगी क्या बोलता है, इन दैट केस कैन यू गिव माई मैसेज, ये क्या बोलता है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्या आप मेरा मैसेज अपनी मम्मी तक पहुंचा दोगे, ये क्या है थोड़ा सा अर्जेंट है, इट इज वेरी अर्जेंट, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, आपके आंसर में क्या आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, यानी कि ये सारी बात आपके कुछ काम की नहीं है, ये बस ऐसी था। आपके आंसर में क्या आएगा देखो, प्लीज टेल हर डेट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, आस्क हर टू चेक हर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर। मैसेज क्या है इससे अपने को मतलब है, क्योंकि अपने आंसर में क्या करना है, अपने को मैसेज बनाना है। पहला काम हमने कर लिया कि कौन किसको लिखेगा, अंबुज अपनी मम्मी को मैसेज लिखेगा, क्या मैसेज लिखेगा वो हमने क्वेश्चन में पहचान लिए, ठीक है। क्या मैसेज लिखेगा कि मम्मी मम्मी आपकी ऑफिस से कॉल आया था नरेश रस्तोगी नाम के इंसान का, उन्होंने बोले है कि आपकी ऑफिस की जो कल मीटिंग होने वाली थी वो रिशेड्यूल कर दी गई है, उन्होंने कहा है कि अपना प्लीज ईमेल चेक कर लीजिए, बहुत ही अर्जेंट है, बस खत्म बात। अंबुज क्या बोलता है, डोंट वरी आई विल टेल हर एज शी रिटर्न, ठीक है। अंबुज बोलता है ओके भाई टेंशन मत लो, अपनी अम्मी तक मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। तो आपके आंसर में ये नहीं आना चाहिए, क्या करोगे ये लिख के कि मैंने आपके ऑफिस वाले को ये बोला, ये सब नहीं, ठीक है। देखो टाइम और डेट बता दिया, 14:30, चलो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम। कुछ कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं मतलब बीच में कुछ मैसेज नहीं है, टाइम नहीं है, डेट नहीं है, तो ऐसा आपका फॉर्मेट रॉन्ग है, ऐसे आंसर को चार में से सिर्फ एक ही दिया जाएगा, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट क्या है, ये रॉन्ग है,
करेक्ट फॉर्मेट अपना है ये। कोई बच्चा इस तरीके का आंसर लिखता है तो उसको क्या मिलेगा, 4 में से 3.5 पक्के है। क्यों? सबसे पहली चीज, हेडलाइन मैसेज हमने लिख दिए, डेट लिख दिए 14 फरवरी, टाइम लिख दिए, रिसीवर का नाम लिख दिए, सेंडर का नाम लिख दिए, और बीच में जो एक्चुअल मैसेज था वो भी फ्रेम कर लिया। क्या है देखो, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, ही वांट्स यू टू चेक योर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द रिजल्ट, ही सेड इट वॉज अर्जेंट। बस, तो आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में 2-3 मिनट को क्वेश्चन को समझने के लिए देना है। समझ में आया? क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि वो तीन लोग कौन है, ये पहला इंसान है ना, इसको तीसरे से बात करनी है। बच्चे बीच का बंधु आ जाता है, बोलता है कि अरे वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो अपनी बात अपन ये बीच के बंधु को बोलेंगे और फिर ये बीच का बंधु जाके तीसरे इंसान को बोलेगा, ठीक है। तो इधर पे भी क्या हुआ था, रस्तोगी और अंबुज की बात हुई थी, ठीक है। तो अंबुज क्या करेगा, अपनी मम्मी को मैसेज पहुंचाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राकेश है, मिस सरकार है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो अपना क्या है, राकेश नाम का एक इंसान है, कौन है वो, क्या बोल रहा है, हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, डायरेक्ट समझ में नहीं आया। राकेश नाम का एक इंसान है, वो किसी को कॉल करता है और कॉल सामने वाला उठाता है, राकेश बोलता है हेलो मे आई स्पीक टू डॉक्टर सरकार। अच्छा डॉक्टर है मतलब, तो यहाँ पे देखो सामने वाला मिस्टर नहीं है, मिसेस है। ये किससे बात करना चाहता है, ये मिस्टर से कॉल उठाई है मिसेस ने, मिसेस यानी डॉक्टर की वाइफ ने उठाई है कॉल, ओके। तो देखो उसकी वाइफ क्या आंसर देती है, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल टू अटेंड द ओपीडी, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। ये क्या बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल गए हैं ओपीडी का अटेंड करने के लिए, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हो। तो ये राकेश क्या बोलता है, देखो यस मैं राकेश सूद हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, राकेश सूद, माई वाइफ हैज बीन हैविंग अ सीवियर हेडेक सिंस यस्टरडे। देखो यहाँ पे ये मैसेज है इसका, सिंस दिस मॉर्निंग शी हैड has also developed a high temperature, I would be very grateful if the doctor could come over to our place to examine her. ठीक है, क्या बोलता है, मेरी जो वाइफ है ना, जो yesterday से पिछले दिन से उसका सर दर्द बहुत हो रहा है और आज सुबह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही खुश भाग्यशाली रहूंगा अगर आपके जो हस्बैंड है जो डॉक्टर है वो हमारे घर पर आए और मेरी वाइफ का चेकअप करे। तो मिसेस सरकार क्या बोलती है, ऑफ कोर्स प्लीज प्लीज लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस, हाँ हाँ ऑफ कोर्स आपका एड्रेस मुझे बताइए। तो ये अपना एड्रेस बता देता है, मिसेस सरकार क्या बोलती है, आई विल गिव हिम मैसेज एज सून एज पॉसिबल, राकेश थैंक यू, खत्म। फिर मिसेस सरकार जो होती है अपने स्कूल के लिए चले, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे अपने आंसर में आने वाला नहीं है। अपने आंसर में क्या आएगा, अपने आंसर में अपने को मतलब है टाइम से, डेट से, रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है और मैसेज क्या डालना है। तो अपने आंसर में डेट और टाइम आपके क्वेश्चन में दी गई है, ये वाले क्वेश्चन में डेट और टाइम नहीं है तो हम अपनी मर्जी से डाल देंगे। रिसीवर कौन है, रिसीवर है यानी अपने को बात पहुंचानी है डॉक्टर को, डॉक्टर का नाम क्या है, मिस्टर सरकार, मिस्टर सरकार को अपने को अपनी बात पहुंचानी है, कौन पहुंचाएगा, उसकी वाइफ मिसेस सरकार। तो यहाँ पे अपने को मिल गए कौन, यहाँ पे अपने को मिल गए अपने सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर है मिसेस सरकार, रिसीवर है मिस्टर सरकार। और मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि राकेश सूद की वाइफ बीमार है, उनके घर पे जाके उनका चेकअप कर लीजिए, ये इनका एड्रेस है, ओके, मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ इसलिए आपको ये मैसेज लिखी। देखो कैसे लिखोगे, हेडलाइन डालोगे मैसेज, डेट कुछ नहीं था तो हमने अपने मर्जी का डेट डाल दिया, अपने मर्जी का टाइम डाल दिया, एक लाइन छोड़ के लिखे है हबी हबी क्यों, बिकॉज एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मैसेज लिख रही है, तो जो भी कॉन्टेक्ट नंबर जिस प्रकार का सेव होता है उस प्रकार का आप डाल सकते हो, यहाँ पे हस्बैंड लिख सकते हो, आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो, टप्पू के पापा भी लिख सकते हो मजाक करिए, टप्पू के पापा अलग, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो कि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को जिस प्रकार से बुलाती है, कोई भी इशू नहीं है,
ठीक है, लॉजिकल वे में इसको समझो। यहाँ पे आप मिस्टर सरकार लिखोगे तो भी करेक्ट है, हस्बैंड लिखोगे तो भी करेक्ट है, हबी लिखोगे तो भी करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक लाइन छोड़ के मैसेज आप लिखोगे, जो भी उसने बात पहुंचानी है, राकेश सूद की वाइफ बीमार है, उनके घर पे जाइए, ये उनका एड्रेस है, मैं अपने स्कूल से जा रही हूँ, इसलिए आपको मैसेज लिख रही हूँ, फिर कौन है, मिसेस सरकार। ठीक है, तो ऐसा गेम है इधर पे। बीच का बंधु, बीच का बंधु कौन है? बीच का बंधु अपना हमेशा सेंडर होगा। समझ में आ गया? मैं बोली ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। राकेश सूद ने मिस्टर सरकार से बात नहीं किया, राकेश सूद ने उसकी वाइफ से बात किया, और फिर वाइफ ने मैसेज बनाई और अपने हस्बैंड को भेजी, तो अपने आंसर में ये वाला पॉइंट आएगा। ये दोनों की जो बात हुई है ना, वाइफ की और हस्बैंड की, ये वाला अपना आंसर होगा। पता चला आपने इसका राकेश का और वाइफ का कर दिया ना, तो गया राकेश और उसकी वाइफ का अपने आंसर बना दिए, तो फिर रॉन्ग मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे कैसे हो गया? आशना, ओके चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीच का बंधु ढूंढना है। यहाँ पे एक नाम है आशना। आशना कॉल लगाती है, हेलो मे आई स्पीक टू रणाजीत। आशना कॉल लगाती है, हेलो क्या मैं रणाजीत से बात कर सकती हूँ? लेकिन बेचारा रणाजीत तो होगा नहीं, हमने पढ़े बीच का बंधु होगा इधर पे। तो ये इधर पे कौन होता है? बीच का बंधु अपना मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह कॉल उठाता है, बोलता है, अरे रणाजीत जो है वो तो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो? ऐसा बोलता है, रणाजीत गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो हु इज स्पीकिंग? तो आशना बोलती है, मेरा नाम आशना है, मैं रणाजीत की क्लासमेट हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है, हेलो आशना, मैं रणाजीत का फादर बोल रहा हूँ, इज देयर एनी मैसेज? तो आशना डर जाती है, अरे भाई आज उसके फादर ने कॉल उठा दिया। चलो यार अभी वो बात जो बोलनी थी वो तो बोल नहीं सकती, चलो यार नोटबुक का बहाना मार लेती। तो आशना क्या बोलती है, यस 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 प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे। अंकल प्लीज ना अपने बेटे को बोल देना आज क्लास में बायोलॉजी की नोटबुक लेके आने। एक्चुअली ना आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, मैं कुछ दिनों से स्कूल में बीमारी की वजह से नहीं आ पा रही थी। आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आर बायोलॉजी टीचर गिव टू द, मैं देखना चाहती हूँ कि बायोलॉजी टीचर ने क्या अपने को पढ़ाया है, वो मैं देखना चाहती हूँ। तो अपने ना बेटे को, ठीक है, बेटा कौन है? रणाजित। अब्बा कौन है? मिस्टर सिंह को बोलूंगी। मजाक कर रही है, तुम लोग सीरियस मत हो जाओ। मिस्टर सिंह क्या बोलते हैं, हाँ हाँ भाई टेंशन मत लो, बोल लूंगा। अब मिस्टर सिंह जो होते हैं उनको अपनी वॉक के लिए जाना होता है, तो अपने बेटे को मैसेज टाइप कर देते हैं कि भाई तुम्हारी क्लासमेट आशना ने ये मैसेज पहुंचाई है कि अपनी आज क्लास में बायोलॉजी की बुक लेके जाना, उसको चाहिए काम है, क्योंकि वो बीमार दो तो पता ही हो। ठीक है, तो ये अपना कौन था? बीच का बंधु कौन है इधर पे? बीच के बंधु है मिस्टर सिंह। किसको मैसेज पहुंचाएंगे? अपने बेटे को। बेटा कौन है? रणाजीत। सबसे पहले ये क्लियर करना। मिल गया सेंडर और रिसीवर, मिल गए, डेट और टाइम है नहीं है तो अपने मन से डालेंगे। चलो सॉल्व करते, मैसेज लिख दिए, डेट लिख दिए, टाइम लिख दिए, ठीक है। सन बेटा है ना उसका, रणाजीत, तो यहाँ पे सन भी लिख सकते हो, रणाजीत नाम भी लिख सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मान लो कोई बच्चा इधर पे वो सन की जगह रणाजीत लिख दे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नीचे मिस्टर सिंह क्या है, देखो योर फ्रेंड आशना, आपकी फ्रेंड आशना ने क्या बोलिए, बायोलॉजी की बुक लेके आने। देखो पूरा का पूरा आंसर तो आपका इसमें ही है यार, क्वेश्चन में ही है, हम तो कुछ लिख ही नहीं रहे अपने मन से, समझ रहे हो? ये जो भी चीज हमने अपने आंसर में लिखे है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा इसी ही तो है, सिर्फ इसका हमने थोड़ा सा टेंस इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम ही है। समझ में आ गया? बस इतना ही है। अभी चलो मैं आपको ना कुछ स्टूडेंट्स लोग के ये अपने क्वेश्चन बैंक है, टेंशन मत लो, मुझे पता है आपको अभी ये पता चल चुका है, अपना फॉर्मेट पता चल चुका है, मीनिंग पता चल चुका है, अब आपको पता चल चुका है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये अभी सब सॉल्व कराऊंगी नहीं, मतलब कराऊंगी तो एक ही बात हो जाएगी, तो मैं आपका इसका नोट्स शेयर कर दूंगी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पीडीएफ बना के, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर दी हूँ, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बना के डाल दी हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर, थर्ड, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन है अपने,
इसको बना के डाल दी, ठीक है। अभी ना मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ देखो, ये एक्चुअल आपका ऐसा कुछ आंसर दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आपका आंसर दिखना चाहिए। रुक जाओ, ये एक्चुअल में कोई बच्चे ने लिखा है, ठीक है। मुझे चेक करा रहा था, मतलब बोल रहा था कि आंसर चेक कीजिए, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे ये बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या किया है उसने, जैसा हमने बताया मैसेज है, और बॉक्स में डालोगे तो और अच्छी बात है, क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखता है, ठीक है। डेट और टाइम, नाम, देख रहे हो छोटा, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 लाइन ऐसा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, ये बच्चे का आंसर दे। ये बच्चे का जो आंसर है, ये हो सकता है इसके अंदर उसने चीजें सही लिखा है, ग्रामेटिकल सारा स्पेलिंग स्वेलिंग सब कुछ करेक्ट है, बट यहाँ पे इसको ना कम मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों कम मार्क्स मिलेंगे इसमें, इसने ऐसा क्या किया है मुझे बताओ, कौन बता सकता है इस यहाँ पे इस वीडियो में कि इस बच्चे ने ऐसी क्या गलती इधर पे किया है कि एक टीचर उसको चाह के भी 4 में से 3, 3.5 नहीं दे सकता, बताइए। 4 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का नहीं होता है। बताओ आपके हिसाब से, रीड मत करो, सिर्फ फॉर्मेट देख के आप पहचान जाओ, पहचानो किसने क्या किया है। मैसेज नहीं लिखा बहुत लंबा है, ज्यादा लाइन है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्ड्स बहुत ज्यादा है, यस। इसने क्या गलती कर दिया है, इसने एग्जेजरेट कर दिया है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज 50 वर्ड्स की लिमिट होती है, और इजी बनाए तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 लाइन का, और इसने कितना लिख दिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 लाइन है, ये तो है ही, प्लस इसने मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हेडलाइन नहीं है, कुछ मैसेज नहीं है, कुछ क्वेश्चन नंबर नहीं है, तो ये सारी चीज देखी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टीचर्स को चाह के भी 4 में से 4 नहीं दे सकता, इसको यहाँ पे 4 में से 1.5 ही मिलेंगे, 4 में से 1.5। तो दूसरों की गलती से सीखो, आप जब आंसर लिखोगे तो प्लीज वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अपने हाथ को कंट्रोल करना और छोटा लिखना, लिमिट में लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम, इसने दूसरे आंसर में सेम गलती हुई है, यहाँ पे ये वाले बच्चे को देखो, इसने भी सेम गलती किया है, बहुत बड़ा लिख दिया है इसने, यहाँ पे सब कुछ करेक्ट है, मैसेज भी डाला है, डेट है, टाइम है, सेंडर का नाम है, रिसीवर का नाम है, सब कुछ है, बट आंसर इतना बड़ा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना होना चाहिए था, ये बस यहाँ तक ही होना चाहिए था, इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा पेपर भर रहा है तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में ऐसा केस नहीं है। स्पीच राइटिंग में लिखो जितना लिखना है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, वहाँ पे आपको जो भरना है भरो भाई, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में मत भरना, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना और छोटा छोटा लिख कर आना, ठीक है। ये बच्चे ने भी सेम गलती किया, चाह कर भी इसको कोई टीचर 4 में से 4, 4 में से 8 नहीं दे सकता, 4 में से 1.5 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, रीजन है ओवर राइटिंग, रीजन क्या है, ओवर राइटिंग, ठीक है। चलिए ओवर राइटिंग, ये तो हमारा गलती हमने देख ली है, अब करेक्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए छोटा सिंपल अच्छा टिकाऊ, मैसेज डेट टाइम 4 5 लाइन लिखे, बात खत्म, फुल स्टॉप लगा के आ गए, आगे बढ़ गए दूसरे क्वेश्चन में, देखे 1 2 3 4, ये इसका एक्चुअल फॉर्मेट होगा, सब कुछ सही है, 4 में से 3.5, समझ गए, तो ये ध्यान रखना, इतना छोटा होना चाहिए आपका, 1 2 3 4 5, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, मैं ये क्वेश्चन तो है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ लगा के दे दूंगी, ठीक है। तो याद रखो, बता रही हूँ, गलती मत करना, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट, इसी प्रकार, ठीक है। 4 से 3.5 में लिख रही, समझ में आ गया, तो मुझे लगता है इसी प्रकार से आपको ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी की पूरी नोट्स
ठीक है, पूरी की पूरी नोट्स का मैं पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, उस व्हाट्स अपने पीडीएफ में क्या क्या होगा ड्राफ्टिंग, मतलब ये इस सेशन के अंदर जितना भी जो आपको दिख रहा है उसका पीडीएफ बना के डाल दूंगी। क्वेश्चन आंसर ए टू जेड, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, पीवाई, पिछले साल क्या आया था, सब कुछ रहेगा। तो आपको क्या करना है, रीड करना है बस। फॉर्मेट समझ में आ गया, पीछे का लॉजिक समझ में आ गया तो आप कर लोगे। अभी आप मुझे बताओ, कुछ भी डाउट है क्या आपको? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? हाँ, और होमवर्क भी दूंगी मैं आपको ना, क्या करने वाली हूँ आज, अभी ये सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में दो क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे डीएम कर देना है, वो उसका फोटो भेज के, क्लिक करके व्हाट्सएप में और उसमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, यहां पे अपना कौन है पहला इंसान? शेखर। इज दिस 2847-3892, ऐसा समझ लो, ये कोई अपना नेम है। यहाँ पे लोग ने नंबर दे दिया, कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सही नंबर लगा है या नहीं, तो लोग ऐसा बताते हैं, सबको मान लो ये कोई नाम है। ठीक है, तो अमृता बोलती है यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग, तो शेखर बोलता है आई एम शेखर। देखो फिर से सुनो, शेखर जो है वो कॉल लगाता है, ठीक है, सामने वाले का फोन नंबर क्या है, ऐसा मानो उसका मोबाइल का फोन नंबर है 2847-3892। ठीक है, जैसे मेरा फोन नंबर आप सबके पास है ही 9619126654, तो मेरे पास कोई कॉल आता है तो मेरे को कोई बोलेगा इज दिस 9619126654, मैं बोलूंगी हाँ भाई सही नंबर पे कॉल लगाए हो, बताओ किससे बात करनी है। तो ये सामने वाला क्या बोल रहा है कि मुझे किससे बात करनी है, सौराजीत से बात करनी है। आई वॉन्ट टू स्पीक टू सौराजीत। शेखर क्या बोल रहा है इसको कि मुझे सौराजीत से बात करनी है, और ये कौन है, ये है अमृता, तो बीच की बंधु ये बन गई। ठीक है, क्योंकि क्या होने वाला है, शेखर को बात करनी है सौराजीत से, तो शेखर जो है अपनी बात अमृता को बोलेगा और अपना आंसर में अमृता अपनी बात पहुंचाएगी किसको, सौराजीत को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है, बेटअप हो जाएगा, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, बट हो जाएगा। आई एम हिज फ्रेंड फ्रॉम IHM गोवा। अच्छा जी, ये IHM कोई अपना वो है, होटल मैनेजमेंट का है, ठीक है, कॉलेज। अमृता, आई एम हिज सिस्टर। अमृता बोलती है मैं उसकी बहन हूँ। सौराजीत अभी घर पर नहीं है, क्या आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हो? तो शेखर बोलता है कि थोड़ी देर बाद तो मैं बिजी होऊंगा, अच्छा बस अपने भाई तक ये मेरा मैसेज पहुंचा देना। क्या मैसेज है, उसने इधर पे बोला है। ठीक है, तो दुनिया को भूल जाना है और अपने को क्या याद रखना है कि अपना मैसेज ये है, यानी अपने आंसर में अपने को ये वाला हिस्सा लिख कर आना है, ये सबसे कुछ मतलब अपने को नहीं रहेगा। क्या लिख कर आना है, देखो उसका क्या मैसेज है, बोल रहा है कि अपने भाई को बोलना कि आई हैव गॉट अ प्लेसमेंट एट द होटल मुंबई। अरे भाई, होटल मुंबई में जॉब लग चुकी है एंड विल हैव टू जॉइन द इमीडिएट इफेक्ट, सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज कम्प्लीटेड। और अभी इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, उस जॉब में जो भी डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने पड़ते वो सब में मैं लग गया हूँ। तो ये न्यूज जो है मुझे सौराजीत को बतानी थी, क्या प्लीज ये न्यूज जो है अपने भाई को पहुंचा दोगी? क्या न्यूज की ये जो है ना शेखर, इसका जॉब लग गई है होटल मुंबई वाली, कोई मुंबई की कोई होटल में। ठीक है, और क्या बोलता है, ऑल्सो टेल हिम डेट आई विल लेट हिम नो माई न्यू सेल फोन नंबर एज सून एज आई गेट वन। और क्या बोलता है, एक और बात अपने भाई को पहुंचा देना कि मेरा न्यू नंबर अभी आने वाला है, तो भी मैं उसको जल्द तक पहुंचा दूंगा। तो अमृता बोलती है हाँ भाई पहुंचा देंगे, यही तो काम बचा है, इधर की उधर करो, है ना, ठीक है पहुंचा देंगे। मजाक करिए, आई विल डू डेट, बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बीच का बंधु कौन है बताओ, बीच का बंधु कौन है? बीच का बंधु अपनी है अमृता। मैसेज किसको पहुंचाएगी, अपने भाई सौराजीत को। क्या मैसेज पहुंचाएगी कि जो शेखर जनाब है, शेखर ये क्या बोलना चाहता था इसको? ठीक है, तो अपना सेंडर हो गई अमृता, रिसीवर हो गया सौराजीत। चलो क्या लिखेंगे, डेट टाइम कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं नोट्स में अच्छे से डाल दूंगी। हेडलाइन रहेगा मैसेज, डेट रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, रिसीवर कौन है, सौराजीत है, उसका नाम आ गया। यहाँ पे आप ब्रदर लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने भाई को मैसेज लिख रही है तो जरूरी नहीं है कि अपने भाई का नाम ही लिखते, कितने लोग अपने भाई का नाम ब्रदर लिखते, तो ब्रदर लिख दो चलेगा, एक लाइन छोड़ो।
और जो भी मैसेज था वो लिख दोगे आप कि आपके भाई फ्रेंड शेखर का कॉल आया था, उसका प्लेसमेंट लग गया है। भाई सीखो, तुम्हारे दोस्त का प्लेसमेंट लग गया है, तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम्हारा कब लगेगा? ऐसा है, ये चीज आपको नहीं करनी है। जो चीज अभी मैंने आप बोली हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपने आंसर में डाले, जो बात अमृता और शेखर के बीच में नहीं हुई थी और वो बात आपने जबरदस्ती डाले, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में था वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। मिस्टर शेखर, योर फ्रेंड का कॉल आया था, उसकी जॉब लग चुकी है और वो बोल रहा है कि अपना न्यू नंबर दे देगा, अभी वो बिजी है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। चार लाइन में बात खत्म, फुल स्टॉप, अमृता, साइन ऑफ, टाटा, खत्म, ठीक है? चलिए, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी आपको। चलो एक क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में ना तो एकदम छोटा सा लिखा है, यहाँ पे तो लोग ने सिचुएशन दिए ही नहीं मेरे हिसाब से, है ना? क्वेश्चन बैंक अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे जैसे अपने टेक्स्ट बुक में इन लोग ने सिचुएशन क्रिएट किया ना, इन लोग पे कॉल पे बात हो रही है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई सब कुछ दिया है प्रॉपरली, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है। ये क्वेश्चन बैंक में बस इतना बोल दिया गया है कि आप बीमार है और लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो क्या करो, अपने टीचर को मैसेज लिखो। वाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को देखने दो पिछले साल कैसा आया था, पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था। पिछले साल भी सिचुएशन के हिसाब से आया है, मतलब कि तीन लोग को मिलाए है, बीच में एक बंधु है, देशमुख, गोपाल, और रिसेप्शनिस्ट। पिछले साल का पेपर आप जाके देखोगे ना तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। अपने को क्या है, सिचुएशन बताई जाएगी क्वेश्चन में कि दोनों के बीच में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो बात में से आपको क्या मैसेज देना है वो ढूंढ के निकालना है, ठीक है? तो फिर भी दोनों तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसा मान लो, ऐसा बस इमेजिन कर लो कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्या क्वेश्चन आ जाए कि यू आर नॉट वेल, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है और आप जो है कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आपको ये बात अपने टीचर तक पहुंचानी है। आप क्या करो, अपना मैसेज क्रिएट करो और अपने मन से ही कुछ भी रीजन दो, मतलब सब कुछ आप पे डाल दिया, भाई तुझे दो जो रीजन देना है दे, तुझे जो मैसेज टाइप करना है टाइप कर, बट पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए कि आप बीमार हो और स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। अब क्यों बीमार हो, कितने दिन नहीं आओगे, क्या हो गए, वो आपके ऊपर, जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, हम लिखेंगे सेम फॉर्मेट, मैसेज डालेंगे, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, सामने वाले का नाम कुछ भी अपने मन से डाल देंगे, क्योंकि आपने नाम भी नहीं दिया है, ना रिसीवर का नाम दिया है ना सेंडर का नाम दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने मन से ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नाम डाल दिए मिस अहूजा, वो टीचर का नाम है, ठीक है? और स्टूडेंट का नाम हमने दे दिया शीतल, मन से कुछ भी डाल दो। माई सेल्फ शीतल फ्रॉम क्लास 12th बी राइटिंग दिस मैसेज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट वेल सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। तो टाइफॉइड मैंने यहाँ पे डाली हूँ अपने मन से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, कुछ भी डालो, टाइफॉइड हुआ है, फेवर हुआ है, लूज मोशन हुआ है, जो भी हुआ है डाल दो। दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू अटेंड द लेक्चर दिस मंथ, एज सून एज आई विल बी रिकवर आई विल रेगुलरली अटेंड द लेक्चर्स। बात खत्म, फुल स्टॉप, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको कोई सिचुएशन नहीं दी है, पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी गई है कि खुद ही मैसेज करो, खुद ही मैसेज बनाओ, खुद ही सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम खुद ही करो, तो आप ऐसा लिख कर आओ, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन इस प्रकार का सॉल्व करते हैं जहां पे कोई सिचुएशन नहीं दी है और एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है, इमेजिन यू हैव प्लान्ड डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पे तो 100-150 कर दिया गया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मुझे इसको कट कर दो भाई, 150 वर्ड होना ही नहीं चाहिए। टू गिव दिस डिटेल्स टू योर फ्रेंड, गिव योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। यहाँ पे क्या बोला है कि आप जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए एक अलग तरीके का मेथड अप्लाई कर रहे हो पढ़ाई के लिए, तो ये बात आप अपने दोस्त को बोलोगे, बोलोगे क्या? इतने लोग तो नहीं बोलते यार, वो वैसे होते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो एक टिक ट्रिक पता चली है अच्छे से पढ़ाई करने की, मैं तो किसको बताऊंगा, नहीं बैठे रहूंगा। देखो ये बेचारे से सीखो, अपने दोस्त को क्या करेगा, बताएगा कि मैं बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है कुछ अलग तरीके से। अब अलग तरीका क्या है वो आप पे डाल दिया, आप पे डाल दिया, आप जो भी मैसेज लिखोगे ना तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई तेरा अलग तरीका क्या है,
ऐसा तू क्या कर रहा है, अपने आंसर में लिख। क्वेश्चन ने सब कुछ आप पे डाल दिया, तो अपन आएंगे लिखेंगे, हाँ भाई कर लेंगे, चलो हेडलाइन डालेंगे, मैसेज, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, सामने वाले का नाम दे दिया अपन ने सुमित, ठीक है सुमित डाल दिया, क्या लिख रहे हैं, एस वी बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर, आई हैव प्लान टू स्टडी स्मार्टली, जैसे कि हम दोनों इस साल बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो मैंने कुछ स्मार्ट स्टडी दिमाग में प्लान किया हूँ, सो डेट वी कैन कवर आर सिलेबस विद इन 2-3 मंथ्स, ताकि हम क्या कर पाए, अपना पूरा का पूरा सिलेबस 2-3 महीनों में अच्छे से कवर कर पाए, और बाकी का टाइम हम रिवाइज करें और PYQ सॉल्व करने में लगा दे, ठीक है। PYQ कितने साल के, 7 से 8 साल के। लेट अस वर्क टूगेदर एज दे से टू हेड्स आर बेटर देन वन, और इसने अपने अपना नाम डाल दिया प्रज्वल। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था ना कि आप क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की एक डिफरेंट मेथड प्लान कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर फुल मार्क्स तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में वो डिफरेंट मेथड क्या अप्लाई करे हो। तो अपने आंसर में अपने डिफरेंट मेथड क्या बोले हैं कि 2-3 महीना हम अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद रिवाइज और PYQ में अपना टाइम लगा देंगे, समझा। ऐसा नहीं लिखना है कि हेलो एज एज वी बोथ आर अपीयरिंग फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई हैव प्लान अ डिफरेंट मेथड टू स्टडी। अब क्या डिफरेंट मेथड है वो अपना आंसर में अपने नहीं डाले हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। टू हेड्स बेटर देन वन मतलब क्या, एक से भले दो, ठीक है एक से भले दो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई कॉन्सेप्ट आपके दोस्त को अच्छे से समझ जाता है, अपने को नहीं आता, तो वो चीज वो अपने को समझा देगा, कोई चीज अपने को अच्छे से आई है तो अपन उसको समझा देंगे, तो दो लोग मिलके करते तो अच्छे से हो जाता है। हाँ, पर ग्रुप स्टडी मत करना यार, जिसपे ग्रुप स्टडी तो हो गई फिर। तो मुझे लगता है इसी के साथ आज का सेशन हमने को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, और हम मिलेंगे अभी कब, हम मिलेंगे अभी कल, ठीक है। क्या करेंगे, नेक्स्ट राइटिंग स्किल करेंगे, नेक्स्ट राइटिंग स्किल अपनी कौन सी होगी वो आपको कल ही पता चल जाएगी। मेजोरिटी ज्यादा चांस है इंटरव्यू राइटिंग को करेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस मुझे इतना बता दो कि क्या आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एकदम अच्छे से समझ में आ गया। एकदम अच्छे से समझ में आ गया ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। नोट्स मिल जाएगी, हाँ टेंशन मत लो। अभी कल सुबह आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो मैं भेजने वाली हूँ, 4-5 मिनट की। उसमें मैंने मतलब आप लोग बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम टारगेट ले, रिलायबल ले, नवनीत के डाइजेस्ट ले या उत्तम ले, कंफ्यूज रहते हो, तो मैंने चारों बुक पढ़ रखी हूँ, मुझे पता है कि कौन सी बेस्ट है, तो मैं कल आपको बता दूंगी इस वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करके। तो वो वीडियो को देख लेना और उस हिसाब से परचेस करना, ठीक है। ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक बुक लो उसी को अच्छे से पढ़ो, और वो अच्छी बुक होनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ, नोट्स मिल जाएगी ना, तो उसको अच्छे से रिमेम्बर करो, फॉर्मेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी राइटिंग स्किल में। वेलकम। नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं टेलीग्राम का अपना ग्रुप इधर पे लगा देती हूँ। एक सेकेंड, टेलीग्राम ग्रुप को देखो मैंने पिन कर दी हूँ, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और अगर व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हो तो ये वाले नंबर पे मैसेज कर दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, मिलते हैं कल रात 9 बजे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन भेजूंगी, उसको सॉल्व करके भेजना, देख तू कॉल सॉल्व करेगा, पता तो लगे।